दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोबाइल का जो प्रॉब्लम है वो सर्विस सेंटर में ही सॉल्व किया जाता है तो आप ये भी जानते होंगे अगर आप सर्विस सेंटर विजिट करते हैं या तो किए होंगे अपने लाइफ में तो कि वहाँ पे कितना टाइम बर्बाद होता है कितना टाइम लॉस होता है पब्लिक का और कस्टमर का तो दोस्तों देखिए अगर आप मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल में तो पासवर्ड जरूर लगाते होंगे पैटर्न ज़रूर लगाते होंगे अगर आप इस पासपोर्ट को भूल जाते हैं तो क्या करते होंगे सर्विस सेंटर जाएंगे कॉमन है लेकिन 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 सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपका काम होगा ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा काम होगा भी लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा पैसा खर्च होगा और सबसे लॉस वाली बात कि आपका जो मोबाइल का जो डेटा है मोबाइल का डेटा पर्सनल डेटा वो डिलीट हो जाएगा सर्विस सेंटर के जो लोग हैं वो डेटा पे रिकवर नहीं करते हैं डेटा को उड़ा देते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मोबाइल जब जमा होता है तो वो पहले ही बोल देते हैं कि मोबाइल का बैकअप ले लीजिए तो फ्रेंड्स आप ही बताएं जब आपका फ़ोन लॉक है तो बैकअप कैसे ले पाएंगे इम्पॉसिबल ये कोई नहीं कर सकता है लॉक हुए मोबाइल में बैकअप लेना इम्पॉसिबल तो देखिए इस इसी तरह का ट्रिक इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपके पास फोन है अब फोन में ये लॉक लग गया है चाहे लॉक पिन हो पैटर्न हो पासवर्ड हो फेस लॉक फिंगरप्रिंट किसी भी तरह का लॉक हो आप भूल गए हैं तो उस, उसको कैसे अनलॉक किया जाएगा वो भी बिना सर्विस सेंटर गए हुए आपको सुन के थोड़ा सा हंसी आ रहा होगा या तो फिर बिलीव नहीं हो रहा होगा तो बिलीव पाने के लिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए आपको बिलीव हम आज देने वाले हैं और कुछ सिखाने वाले भी हैं कि कैसे आप भी घर बैठे हुए किसी भी फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं ये देखिए ये देख रहे मेरे हाथ में एक हैंडसेट है ब्रांड कोई भी हो चलेगा ट्रिक सब में सेम यही काम करेगा देखिए ये मेन पेज है मेन पेज है मेन पेज को इस तरह से स्वाइप करना है हाँ इससे पहले ये देखना है मोबाइल में जो सिम है ये देख रहे हैं सिम को निकाल देना देख रहे हैं यहाँ पे नो सिम है देख रहे हैं सिम को पहले निकाल देना है और जब सिम निकल जाएगा तो ये मेन पेज आएगा मेन पेज को इस तरह से स्वाइप करना है जैसे ही स्वाइप कीजिएगा तो लॉक वाला इंटरफेस आ जाएगा आप किसी भी तरह को लॉक लगाए होंगे पासवर्ड हो पिन हो पैटर्न हो तो यहाँ पे यहाँ पे शो करेगा तो लॉक वाला इंटरफेस पे जैसे ही शो करेगा तो आपको यहाँ पे देख रहे ये वाला ऑप्शन इमरजेंसी कॉल आपको यहाँ पे क्लिक करना है हो सके इमरजेंसी कॉल आपके फ़ोन में यहाँ हो यहाँ हो मेरे फ़ोन में यहाँ था हर फोन के जो इमरजेंसी कॉल का जो स्थान है वो अलग अलग होता है जब ये कोड इंटर हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको ये वाला कोड इंटर करना है ये कोड जैसे ही इंटर हो जाएगा लास्ट में हैज इस कोड पे आपको इस तरह से कॉल करना है लगभग पांच बार छः बार मानी पाँच से ज़्यादा कर दीजिए पाँच से नीचे नहीं चलिए मेरा पाँच से छः बार हो गया इस तरह से कॉल कर देना है ठीक है ये कोड पे जैसे ही कॉल कर दीजिएगा इसको यहाँ से इरेज कर देना है उसके बाद ये वाला कोड स्टार हैज एट डबल नाइन और हैज ये प्रेस करके आप चल जाइएगा आप अपने फोन के इंजीनियर मोड वाले पेज में अब यहाँ पे देखिए यहाँ से मेन स्टार्ट यहाँ से काम मेन स्टार्ट हो गया यहाँ से थोड़ा केयर कीजिएगा सबसे पहले सबसे पहले सॉफ्टवेयर वर्जन को क्लिक कीजिए और चेक कीजिए कि की की आपके हैंडसेट में एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है देख रहे हैं ये हैंडसेट में एंड्रॉयड वर्ज़न टेन है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर फोन में एंड्रॉयड वर्ज़न डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं किसी में एट किसी में नाइन कोई ओल्ड है तो एट नाइन टेन यूज़ कर रहे हैं कोई लेटेस्ट है तो इलेवन और ट्वेल्व यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एंड्रॉयड वर्जन पर फोकस कीजिएगा जब एंड्राय वर्जन टेन रहेगा तो अगर इससे डिफरेंट है तो आपके माइंड में आया होगा कि अगर डिफरेंट है तो तो क्या करेंगे उस केस में हमारी टीम के पास ट्रिक अवेलेबल है आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बताइएगा कि सर हमारे हैंडसेट में एंड्राय वर्ज़न इलेवन है या फिर नाइन है या फिर 12 हो तो हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी वीडियो कॉल करके ठीक है जब टेन है तो नीचे में मिलेगा एक फैक्ट्री वर्जन देख रहे सबसे नीचे में फैक्ट्री वर्जन है आपको यहाँ पे इस तरह से क्लिक करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन टाइम्स इसलिए इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉय वर्जन टेन है उसके बाद जब बेस बैंड वर्जन ये देख रहे बेस बैंड वर्जन यहाँ पे ये यह रहा बेस बैंड वर्जन यहाँ पे आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह बार इसलिए क्योंकि यहाँ पे पी फोर्टीन है ठीक है अब यहाँ सीख गए होंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से बैक करेंगे बैक करने के बाद मेनुअल टेस्ट पे जाएंगे सेकंड पेज है डिवाइस डबिंग देख रहे हैं डिवाइस डबिंग वाला पेज में जाने के बाद आपको जाड़ो पे क्लिक करना है जाड़ो पे क्लिक करने के बाद आपको जाड़ो सेल्फ टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्लिक करके ये पहले देखना है कि आपका फोन टेस्टिंग मोड होगा देख रहे टेस्टिंग टेस्टिंग के बाद आपका फोन पास होता है फेल होता है देख रहे हैं हमारा फोन यहाँ पे पास हो गया जब पास हो जाएगा तो यहां से बैक करेंगे यहाँ से भी बैक करेंगे उसके बाद सेंसर है इसको क्लिक करेंगे ये तीन तरह का सेंसर मिलेगा तीनों को इस तरह से ऊपर से क्लिक करेंगे एक सेंसर को टेस्ट पास करके इस तरह से वो भी ग्रीन कलर में आना बहुत जरूरी जो इस तरह से आ गया देख रहे हैं जब ये इस तरह से आ जाएगा तो यहाँ से बैक करेंगे उसके बाद इस तरह से स्लाइड करते हुए सबसे लास्ट में जाना एक अदर्स नाम का पेज मिलेगा जो देख रहे हैं जूम करके मैंने दिखा दिया उसके बाद आपको क्या करना मेन वो वर्जन पर तीन बार वन टू थ्री थ्री टाइम्स क्लिक करना है उसके बाद क्या करना है रीड राइट इंपॉर्टन लॉकटे इसको क्लिक करके यहाँ पे ओके OK कर देना जैसे ही ओके कीजिएगा रॉन्ग पासवर्ड इस तरह से आ जाएगा जब ये हट जाएगा तो एक बार की स्टेटस में गूगल की आता है गूगल की इस गूगल की को देखना ये है कि गूगल की पास हुआ कि नहीं हुआ जब इस तरह से गूगल की पास हो जाएगा तो आपको होम मेनू बटन को क्लिक करके चेक कर लेना है कि आपका फ़ोन अनलॉक हुआ कि नहीं देख रहे ये फ़ोन अनलॉक तो हो गया ही साथ में इस फोन का जो डेटा है डेटा भी इसमें अवेलेबल है मौजूद है देखिए फ्रेंड्स अब आपको यकीन हो गया होगा कि आप भी घर बैठे अनलॉक कर सकते हैं दुनिया के किसी भी स्मार्ट एंड्रॉयड फोन को तो फ्रेंड्स आप भी सीखिए आप भी कीजिए आप भी एक मोबाइल का मास्टर बनिए